हेलो एवरीवन, फॉल सिविल सर्विसेज में आप सभी का मैं सिमी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भीमा नायक के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। यहां तक कि मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MP SI हो या और कोई कांस्टेबल की एग्जाम हो, सभी के लिए भीमा नायक जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो भीमा नायक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जन्म, इनके जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो आपके पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले में हुआ। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीमा नायक का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आप बताएंगे बड़वानी जिले से इनका संबंध है। ठीक है, इनका जो गांव था, जिस गांव में इनका जन्म हुआ वो है पंच मोहली। ठीक है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी निमाड़ रियासत, जो आपका जिला है वो है बड़वानी और जो आपका गांव है वो है पंच मोहली। ठीक, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो है वो हमको याद रखनी है इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर में। जी हाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो आप बताएंगे भाई इनकी मृत्यु कहाँ हुई, आप याद रख लें पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनका जो प्रथम विद्रोह था, ठीक, भीमा नायक का जो प्रथम विद्रोह था वो साहूकारों के विरुद्ध था। साहूकारों के शोषण से ग्रसित होकर उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो विद्रोह किया था। ठीक, भीमा नायक की और क्या खास बात है, क्यों इतिहास में इनका नाम इतना स्मरणीय है, वो हम देखते हैं। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो खुला विद्रोह किया था। भीमा के बारे में और हम पढ़ते हैं कि भाई भीमा नायक का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या था, बड़वानी रियासत था। ठीक है, वहां से लेकर वर्तमान का महाराष्ट्र जिला, महाराष्ट्र जो आपका राज्य है उसके खानदेश क्षेत्र तक उनका जो रियासत था वो फैली हुई थी बड़वानी रियासत। 11 अप्रैल 1858 ईस्वी, डेट आप याद कर लीजिए, 11 अप्रैल 1858 में एक अंबापानी का युद्ध हुआ था। अंबापानी का युद्ध, उसमें भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस युद्ध का संबंध जो है वो भीमा नायक से है, तो अंबापानी का जो युद्ध है 11 अप्रैल 1858 को हुआ था। आप डेट भी याद कर सकते हैं। PSC में तो हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन व्यापम की परीक्षाओं में जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक, देखें, अंग्रेज जब भीमा नायक को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने क्या करा, मुखबिर के कारण धोखे से उनको पकड़ लिया। ठीक, तात्कालिक समय में जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो भीमा नायक जो है वो तात्या टोपे से मिले। तात्या टोपे उस समय निमाड़ के दौरे पर थे, दोनों की मुलाकात होती है। भीमा नायक तात्या टोपे से मिलते हैं और इसी दौरान भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा पार करने में सहयोग किया था। तो ये जो पूरा वृत्तांत यहाँ पर। अब तथ्य की हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई भीमा नायक को हम निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहते हैं। ठीक है, तो निमाड़ का रॉबिन हुड अगर हम किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाए तो किसे कहते हैं, भीमा नायक को। और उन्होंने एक नारा दिया था, नारा कुछ इस प्रकार से है, जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो। नारा उन्होंने क्या दिया था, जय हो जोहार हो और लड़ाई आर पार हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्मारक, उनका स्मृति में स्मारक जो है वो कहां पर बनाया गया है। तो बड़वानी जिले के आपके बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव में क्या है, इनकी गड़ी या स्मारक बनाया गया। तो भीमा नायक के बारे में हमने पढ़ा, एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूं। आपका जन्म जो है वो निमाड़, पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंच मोहली गांव में हुआ। आपकी जो मृत्यु है वो पोर्ट ब्लेयर में हुई। विद्रोह आपका प्रथम साहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है, आपका कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत से महाराष्ट्र के खानदेश तक फैला हुआ था। आप तात्या टोपे से मिलते हैं 1857 की क्रांति के समय और उनको नर्मदा पार करने में सहयोग करते हैं। तथ्य में यहाँ पर निकल कर आता है कि निमाड़ का रॉबिन हुड जो है वो भीमा नायक को कहते हैं और उनने जो नारा दिया था, जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो। इनका स्मारक जो है वो बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव में इनका जो स्मारक बना हुआ है।
ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फोर्स एमपीपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर जो है आपको सारी की सारी पीएससी की वीडियो जो है बिल्कुल मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।